नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं, रुझानों में अब हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आज तक के द्वारा जो रुझान अभी हमारे सामने आ रहे हैं उसमें JMM गठबंधन की 40 सीटें दिख रही है, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव के 15 सीटों का इजाफा दिख रहा है। वहीं BJP की बात करें तो BJP 30 सीटों पर अभी रुझानों में है, जिसमें 7 सीटों का नुकसान दिख रहा है। आसू के पास 4 सीटें हैं, उसमें 1 सीटों का नुकसान दिख रहा है। JVM के पास 3 सीटें अभी हैं, जिसमें से 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है। और अन्य के खाते में फिलहाल 4 सीटें हैं। पिछली बार यहाँ पे 6 सीटें थी, इस बार 4 सीटें दिख रही हैं। तो हमारे साथ राजमोहन तिवारी हैं। राजमोहन तिवारी ने बिहारी न्यूज के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कई आर्टिकल्स लिखे हैं, और एग्जिट पोल जब हमने पिछला वीडियो जो बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, उसमें राजमोहन तिवारी ने कई अनुमान लगाए थे जो अनुमान अभी एकदम सटीक होते दिख रहे हैं। तो सीधा राजमोहन तिवारी से हम जुड़ेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जो BJP की करीब करीब 7 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है अभी, और जब रुझान आगे जाएंगे तो क्या कितना नुकसान होगा, JVM के क्या स्थिति बन रही है, और महागठबंधन की जो सीटें हैं जिसमें अभी 15 सीटों का इजाफा होता दिख रहा है, तो क्या कुछ रहेगा राजमोहन आगे की स्थिति जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएंगे। जब ये सीटें, जब हम दोनों से बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि अभी शहरी क्षेत्रों की तरफ मतगणना हो रही है, जैसे गांव की तरफ जब ये जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी। देखिए, ये हमेशा से परंपरा रहा है कि शहरी वोटर जो है BJP के कैडर माने जाते हैं, कि BJP को वो पारंपरिक रूप से उसके वोटर हैं, उनको वोट करते हैं। तो इस बार थोड़ा अलग हटके हमें रुझान देखने को मिल रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में भी BJP पीछे चल रही थी। BJP कभी भी महागठबंधन से आगे चलती हुई नहीं दिखी है शुरू से ही, तो इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्र में भी उसे भारी नुकसान हुआ है, और कारण उसके बहुत से हैं, एक दो तो है नहीं। साथ में जब गाँव के क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जैसे जैसे जा रही है, हम देख रहे हैं कि जो लीडिंग जो फर्क है वो बढ़ता जा रहा है। जो सीट पे पहले से BJP पीछे थी, अब हम देख रहे हैं कि उस पे और उनके बीच की जो से वोटों की जो संख्या है, जो अंतर है, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब BJP का आगे निकलना मुश्किल है, इतना तो कंफर्म है कि वो अब आगे नहीं निकल पाएगी। और 30 सीट, मैंने कल भी जब हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि 35 सीट BJP को नहीं आने वाली, 30 के आसपास ही रहेगी या उससे कम ही जाएगी। तो जो 50-50% के मैंने जो सीटों के नाम बताए थे, वो बोले थे कि यहाँ भी 50-50 चांसेस, वहाँ पे BJP पीछे चल रही है। और यही कारण है कि जो अभी के जो हालात हमें दिख रहे हैं वो BJP को 30 के नीचे लेके आ जा रहे हैं, और मेरा मानना है कि BJP अब 30 के नीचे ही रहेगी। अच्छा, जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएंगे, हाँ, और वो मतगणना जब गांव की तरफ होती जाएगी तो BJP का नुकसान अब होता। मतगणना गांव की तरफ हो गया है, अब शहरी क्षेत्र से बाहर निकल हम लोग अंदर जा चुके हैं गांव की तरफ में, और इसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सीट, ये जो वोटों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ये बताएं, अब अगर हम हॉट सीटों की बात करें तो रघुवर दास के ही सीट को अगर हम ले लें तो जमशेदपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या स्थिति है जमशेदपुर में? मैंने कल भी कहा था कि रघुवर दास को फाइट तो मिल सकती है, लेकिन हराना मुश्किल है, और मुझे लग रहा है कि रघुवर दास को हराना मुश्किल ही होगा, क्योंकि सरयू राय की क्या स्थिति है? सरयू राय दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, गौरव भल्ला की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है यहाँ पर। गौरव भल्ला को लेकर सोशल मीडिया पे खूब बवाल मचा था, सोशल मीडिया पे खूब लोकप्रिय हुए थे उस समय, 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं। समित पात्रा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद से जी वो मशहूर हुए थे, और हैं वो, उनकी जो छवि, जो मशहूरती की जो उनकी छवि बनी थी उसमें कोई गिरावट नहीं है, ये वोटिंग से उनकी छवि में कोई गिरावट नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को, एक BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने काफ़ी बेहतरीन ढंग से उसे अपने बातों से कहा जा सकता है कि आपने उसे पीछे धकेल दिया है, तो जो छवि थी वो बनी रहेगी। लेकिन हाँ, वोटिंग में मैंने कहा था कि वो कितने वोट कन्वर्ट कर पाएंगे अपने बातों से, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि रघुवर दास को हराना बहुत मुश्किल है, और फिलहाल की जो रुझान है उसमें रघुवर दास 1500 से ज्यादा वोटों से आगे। कौन सी सीट है जहाँ पे हेमंत सोरेन दो जगह से खड़े हैं, बरहेट से खड़े हैं और दुमका से खड़े हैं। तो बरहेट से तो वो आगे चल रहे हैं, लेकिन दुमका से वो पीछे चल रहे हैं। दुमका तो इनका गढ़ माना जाता था, संथाल परगना का माना जाता था, लेकिन हमने देखा कि पिछले बार भी हारे,
लोकसभा का भी चुनाव हार है और इस बार भी पीछे चलना, लुइस मरांडी है वो भी संथाल परगना के ही है, तो ये कहना कि हाँ, और ये रघुवर सरकार की कद्दावर नेता मानी जाती रही है, मंत्रालय कैबिनेट मंत्री भी रही है इस बार के में, तो ये अभी भी आगे चल रही है और मेरा मानना है कि ये सीट निकल जाएगा, जो दुमका का जो सीट है वो लुइस मरांडी ही जीतेंगी, ये मेरा मानना है। बरहेट की सीट पे हेमंत सोरेन आगे हैं और बहुत वोटों से आगे हैं, तो वो भी उन समझिए कि एक तरह से वो सीट निकाल लेंगे। और एक और सीट है धनवार, जहां पर जेवीएम की पार्टी बाबूलाल मरांडी की पार्टी खड़ी थी और वहां से बाबूलाल मरांडी खड़े थे, वहां से वो आगे चल रहे हैं, तकरीबन 3000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, वो बीजेपी के लक्ष्मण प्रसाद सिंह को उन्होंने पीछे छोड़ा है और 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं, इसका मतलब है कि जेवीएम का यहाँ पे खाता खुल सकता है। रांची की सीट की बात करें तो यहाँ से सीपी सिंह बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं, वो 6706 वोटों से आगे चल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बीजेपी का सीट निकल सकता है। सिल्ली से सुदेश महतो, ये आजसू पार्टी के प्रमुख, तकरीबन 500 वोटों से ही आगे चल रहे हैं, तो ज्यादा वोट इनके बारे में शुरुआती रुझानों में देखते रहे हैं तो सुदेश महतो पीछे चल रहे थे, अभी के जो रुझान है उसमें सुदेश महतो 506 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो और किनको किनके साथ इनकी सीधी टक्कर चल रही है? इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने ये जेएमएम के पार्टी कैंडिडेट को पीछे छोड़ा है, उन्होंने सीमा देवी जेएमएम की कैंडिडेट है उन्हें पीछे छोड़ा है। फिर अगर हम मांडू सीट की बात करें तो यहाँ से आजसू के निर्मल महतो आगे चल रहे हैं, उन्होंने जेएमएम के राम प्रकाश भाई पटेल को पीछे छोड़ा है। फिर डाल्टनगंज सीट की हम बात करते हैं, जहां पर आलोक चौरसिया बीजेपी के और कांग्रेस के केन त्रिपाठी के बीच में मुकाबला था, तो यहां से बीजेपी के आलोक चौरसिया आगे चल रहे हैं। फिर झड़िया सीट की अगर हम बात करें तो यहां से रागिनी सिंह बीजेपी की और पूर्णिमा सिंह कांग्रेस की भिड़ंत थी, जिसमें पूर्णिमा सिंह आगे चल रही है कांग्रेस की। इस सीट को लेकर बहुत पारिवारिक विवाद भी रहा, झरिया को लेकर, ये दोनों एक ही परिवार से रहे हैं, दो भाइयों के बीच की लड़ाई रही, उसके बाद दोनों भाइयों में एक भाई का की हत्या कर दी गई, फिर उनका आरोप उनके दूसरे भाई पे लगा, वो भाई अभी जेल में है, दोनों की पत्नियां अभी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से कांग्रेस की पूर्णिमा सिंह आगे चल रही है और रागिनी सिंह पीछे चल रही है जी। और हम बात करते हैं चक्रधरपुर सीट की, चक्रधरपुर सीट से लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी के कैंडिडेट थे और जेएमएम से सुखराम उड़ाव कैंडिडेट थे और यहाँ से जेएमएम के सुखराम उड़ाव आगे चल रहे हैं। मैं बताऊं कि लक्ष्मण गिलुआ एक मजबूत उम्मीदवार हैं, एक मजबूत नेता हैं, वो पिछले बार भी कई चुनाव खड़े हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से और जीते भी, एक बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो पीछे चल रहे हैं यहाँ से। तो अब तक की जो रुझान है, आप सीटों की बात करें तो बीजेपी का सीट घट के 28 हो गया है, है ना, तो ये एक तरह से पूरी तरह से बहुत बड़ा सेटबैक कहा जाएगा बीजेपी के लिए। हालांकि मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ूंगा कि इस चुनाव को कांग्रेस अपनी जीत ना समझे तो बेहतर है, क्योंकि देखिए आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और आप महागठबंधन, मतलब एक गठबंधन बना के आप चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें आप अभी तक 12 सीट, हालांकि झारखंड में बेहतरीन प्रदर्शन कहा जाएगा कांग्रेस का, डबल अंक में पहुंचे, लेकिन क्योंकि आप कहीं पर भी अपने दम पर नहीं हैं, यहाँ भी आप हैं तो आरजेडी और झामुमो के साथ हैं, तो ये कांग्रेस ना समझे कि वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और उसे अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, पार्टी का लीडरशिप में भी, साथ में कार्यकर्ता स्तर तक भी, तो उसे अपनी जीत नहीं समझना चाहिए और उसे मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीजेपी जैसे पार्टी को टक्कर देना चाहते हैं तो आपके अंदर उसके जैसा कम से कम आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। और अगर बिहार की जो दो पार्टियां जो है वो झारखंड विधानसभा चुनाव में थी, जदयू और लोजपा, तो इसकी क्या स्थिति दिख रही है यहाँ? देखिए यहाँ पर जदयू का तो कोई खाता खुलते नहीं दिख रहा है, ना ही लोजपा का दिख रहा, लेकिन हाँ आरजेडी पिछले बार चुनाव में खाता नहीं खुला था, इस बार 5 सीटों पर लीड कर रही है, ये बड़ी बात है आरजेडी के लिए। हालांकि पहले अगर पिछले बार के चुनाव छोड़ दें तो उसके पहले 1-2 सीट पे हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन पिछले बार ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, कांग्रेस और राजद का पिछला 2014 के चुनाव में गठबंधन था जिसमें इनका आरजेडी का खाता ही नहीं खुला था, शायद 19 सीटों पर खड़े हुए थे, इसमें एक भी सीट ये नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार लगभग तकरीबन 7 सीटों पर खड़े थे और 5 सीट पर लीड कर रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी राजद के लिए।
झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। अब तक जो नतीजे हमारे सामने आए हैं उसमें जेएमएम प्लस यानी कि महागठबंधन को 41 सीटें मिलते दिख रही हैं, उसमें 16 प्लस सीटों का इजाफा हो रहा है। वहीं बीजेपी को 30 प्लस सीटें मिल रही हैं जिसमें 7 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। आसू के पास 3 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। जेबीएम के पास 3 सीटें हैं, उसमें पिछले विधानसभा चुनाव के अनुसार 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है। अन्य के पास अभी फिलहाल में 4 सीटें आती दिख रही है जिसमें से 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। आगे की परिस्थितियां क्या बनेंगी झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों को देखते हुए हम आगे के वीडियो में आपको फिर से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।